नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने घर में पहली बार गणपति की स्थापना कर रहे हैं तो इन 10 बातों का ख्याल जरूर रखें। बप्पा की मूर्ति हमेशा खरीदते समय यह बात का ध्यान रखें कि गणेश जी के जो सुंड है वह दाई ओर हो, ये शुभ फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इस तरह की सुंड वाले गणपति घर पर लाने से सुख और समृद्धि आती है। नंबर 2, बप्पा को घर पर लाने से पहले उस स्थान को साफ सफाई और सजावट जरूर कर लें जहाँ पर बप्पा को विराजित करना है। नंबर 3, गणेश जी के घर आगमन पर शंख बजाएं और गंगा जल छिड़कें। इसके बाद गणेश जी को जो है विराजमान करने के लिए जो चौकी रखी हो उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। अब दुर्वा और पान के पत्ते को गंगा जल में डुबोकर गणपति को स्नान करवाएं। नंबर 4, बप्पा को पीला रंग बहुत पसंद है, बप्पा को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। नंबर 5, ओम गंग गणपतिये नमः मंत्र को जो है 21 बार जप करें। नंबर 6, भगवान गणेश की मूर्ति के पास चांदी या फिर तांबे का जो है कलश पानी से भरा हुआ रखें। कलश पर मौली बांधना न भूलें, साथ ही कलश के नीचे चावल रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि आएगी। कलश को जो है मूर्ति के हमेशा दाईं ओर ही रखें। नंबर 7, गणपति जी की स्थापना के बाद घी का दिया जलाएं। नंबर 8, दिया जलाने के बाद हाथ में गंगाजल लेकर संकल्प कर लें कि आप कितने दिनों के लिए बप्पा को विराजमान कर रहे हैं। वैसे तो 1.5 दिन, 3, 5, 7, 9 और 11 दिनों के लिए बप्पा को जो है लोग घर में रख सकते हैं। नंबर 9, हाथ जोड़कर भगवान का आह्वान करें। ध्यान करते समय हाथ में पीले फूल जरूर रखें। प्रार्थना के बाद फूल को जो है गणपति के चरणों में अर्पित कर दें। नंबर 10, बप्पा को मोदक बहुत पसंद है। अगर मोदक हो तो मोदक नहीं तो लड्डू को भी जो है आप भोग लगा सकते हैं।